अरे ये क्या गिर गया दूध में? दूध में मक्खी? इधर काम हैवी वाला चल रहा है, वापस से इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ चुका है। अभी धूप हो रहा है बाहर, मम्मी बोली है धूप हो रहा है तो। वेलकम एक और सुहानी सुबह, बारिश वाली सुबह दुर्ग में। और अभी सही में बारिश बहुत बाहर गिर रहा है, बहुत नहीं लेकिन इतना गिर रहा है कि हाँ काफ़ी है। अरे मैं ऊपर आ गई क्या? और इस बारिश में ना मेरा रेनकोट सूख रहा है। अपना काम, मैं रेनकोट नहीं पहनता हूँ ज़्यादा, इसी दिन के लिए मैं रखा था अपना रेनकोट कि बारिश में ये काम आएगा, बारिश से बचने के लिए काम आएगा, बारिश से बचने के लिए इसको मैं बाहर कर दिया हूँ, अपना बचते रहे। ऐसा ऐसा क्या बोला जाए। आगे मैं हाथ में पिलास, इसको चेंज करना है, ये बंद कर दिया, इसको चालू कर दिया। अब क्या है ना, पानी इधर निकलेगा, बोर वाला पानी अगर टंकी में चला जाएगा ना तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। क्या है, हम लोग का जो नीचे बोर का हुआ है खुदाई, उसमें मुरुम है। मुरुम मतलब हम लोगों ने पहले मुरुम, यहाँ पहले कचरा था, पूरा पूरा कचरा था, उसको निकलवा के मुरुम डलवाया, और फिर मुरुम डलवाने के बाद बोरिंग हुआ है। तो क्या होता है, जब बोर खींचता है पानी को नीचे ज़मीन से, तो वो मुरुम वाला पानी पूरा का पूरा ऊपर आ जाता है। और मौसम आप लोगों को मैं दिखाऊं, देखो एकदम मस्त मौसम हुआ है। फोकस में ले रहा है क्या? फोकस है पूरा पूरा पूरा, काले बादलों का पूरा मौसम है। उधर थोड़ा ठीक ठाक है, उधर छोड़ दो, उधर बारिश वारिश नहीं गिरी है, बाकी इस तरफ में पूरा पूरा काला, मेरे सर पर भी काला काला बादल है, पूरा पूरा बारिश हो रहा है। और ये मेरे छत का छोटे छोटे पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इधर चुपके से कोई तो निकलने की कोशिश कर रहा है, आप चुपके से निकलोगे, मैं देख लिया हूँ। सब इतने अच्छे अच्छे पौधे, आप सब खिलेंगे। बारिश के टाइम में एसिड रेन होता है, तो एसिड सभी उसको चाहिए, क्या बोला जाए, मिट्टी को चाहिए, तो ये सब है। बाकी ये सब जो छोटा छोटा घास निकल रहा है, घास को हटाना पड़ता है, वरना ये घास बड़ा होने के बाद मिट्टी ख़राब कर देता है। बाकी इधर ये जितना अच्छे से निकला था, पानी नहीं पड़ने की वजह से गल कम हो चुका है, ये तो बहुत अच्छा। बाकी इसमें भी अच्छा अच्छा फूल आ रहा है, इसके अंदर चींटी उटी रहती है, आज भी है क्या? वो तो अंदर में एक चींटी है। फोकस ले ले हीरो, फोकस ले लिया, वो चींटी अंदर है, दो तीन चींटी घूम रही है अंदर, सब में वैसी है, किसी एक में मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं है, वो दो फूल में, इसमें भी वैसी फूल में है, इस फूल में भी है, इस फूल के अंदर में भी है। और यहाँ इतना मकड़ी का जाला लगा हुआ है ना, क्या बोलूँ, कैसे लग जा रहा है, मैं तो बिल्कुल, अरे ये कुछ ज़्यादा बड़ा घास हो गया है, निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ। ये है घास, ये सिर्फ और सिर्फ घास है, इसका कोई काम नहीं है, इतना बड़ा घास था लेकिन ये सामने था। बाकी तो सब ठीक ठाक है, करेला है शायद, पता नहीं। और वापस से बारिश शुरू हो चुकी है, मैं अंदर चलता हूँ। और मेरे रेनकोट तो दोनों अच्छे से सूख रहे हैं, पूरा गीला गीला हो चुका है, ये देखो पूरा गीला हो चुका है, पूरा पानी इसमें लग चुका है। इसको सूखने के लिए मैं डाला था मस्त, इतना तो मैं कल भीगा भी नहीं था जितना अभी ये भीग चुका है। मौसम अच्छा हुआ, वहाँ बस सुहाना मौसम दिख रहा है, बाकी और कहीं सुहाना मौसम नहीं। ये सब घास हो जाता ना, बड़ा दिक्कत है, ये सब घास को निकालना पड़ेगा, निकल रहे। तेरा भी कोई काम नहीं है, इसमें तो मशरूम होता है, घास में नहीं, मिट्टी में। और मिर्चा है, कभी हुआ नहीं है इसमें, मिर्चा हुआ है बहुत कम हुआ है, एक दो हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ है, पहले बहुत अच्छा खासा होता था। चलो अंदर चलते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, मैं तो मंदिर से आ गया हूँ, नहा धो लिया हूँ, सब कुछ हो गया मेरा, बस नाश्ता बचा हुआ है, नाश्ता करते हैं, मौसम खुलने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद देखते हैं आज कहीं अगर जाना होगा तो जाएंगे। क्या इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग आए हुए हैं वहाँ पर, कोई इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है,
और इधर मैं गेहूँ पिसाने के लिए आ चुका हूँ। यहाँ मेरा धान को पीस रहे हैं, गेहूँ है और मेरी काली काली बाइक क्या मस्त दिख रही है, धुलने के बाद तो और अच्छी दिखती है। फिलहाल मौसम भी इधर का ख़राब है पूरा, एकदम ऐसा लग रहा है बारिश अब गिर जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं। अभी डैडी मम्मी मार्केट जा रहे हैं ना बारिश में। हो मम्मी का है, एक से एक काम बता के जाती है, ये करना है वो करना है। दूध को मैं चढ़ा दिया हूँ गर्म होने के लिए, दोनों दूध गर्म हो रहे हैं, जल्दी हो जाए उसको। एक दूध हो चुका है, अरे ये क्या गिर गया दूध में, दूध में मक्खी, मक्खी नहीं है कुछ तो गिरा ये, चलो बाहर आ जाओ। क्या क्या गिर जाता है दूध में भी, ये तो हो गया, इसको भी जल्दी हो जा, जल्दी हो जा भाई। चलो ये भी हो गया है, बस अब इसको जल्दी से गैस को थोड़ा और देर इसको मतलब चलते रहने देता हूँ, तो बंद ही हो जा, बाकी इसको चलते रहने देता हूँ। क्या होगा ये थोड़ा नीचे जाएगा और गर्म हो जाएगा, फिर बंद कर दूँगा नीचे से गैस। और ये मेरा दोपहर का खाना आ चुका है, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। और ये पत्ते की फूल की भजिया बनाई है मम्मी, शुरू करते हैं खाना। और ये शाम के टाइम में हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, इसका चक्का वापस एक जगह ढीला हो गया है, तो इसमें तेल भी डालना और इसको चिकना भी करना बहुत ज़रूरी नीचे है। नीचे देखा ना आप लोगों ने, ये भी काम एक बचा हुआ है, इसको भी ऊपर ले जाके छत में डालना है धूप में, वो भी ऐसा वो कपड़े हैं जो छांव में सूखे थे। अभी धूप हो रहा है बाहर, मम्मी बोली है धूप हो रहा है, तो धूप में ले जा कर डाल दे, बहुत तेज़ धूप है, बाप रे हाथ पैर जल गया तो बाप रे क्या बातें हैं मम्मी की भी, कि धूप है ऊपर छत में। सब काम करना पड़ रहा है मेरे को यार, तो अभी किचन का कपड़ा पूरा ऊपर छत में डाल दिया हूँ, अब चलते हैं अंदर। यहाँ जूता अविनाश का सूख गया है धूप में, साइड कर देते हैं। आज तो कई बारिश हुआ है और मेरा सुबह से बहुत सर दर्द कर रहा है, सर ऐसा लग रहा है दो हिस्सों में टुकड़ा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है बहुत सर दर्द कर रहा है। अब खाना वाना खा के वीडियो एडिट करके मैं सो जाऊँगा। होप मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, वो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को नया सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।